नाजरीन, बॉलीवुड में भी एक्शन मूवीज का करियर बढ़ता जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर मारधार वाली फिल्मों को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं और इन कमाल के एक्शन करने के लिए बॉलीवुड में भी हॉलीवुड की तरह बेहतरीन VFX का इस्तेमाल करने लगा है। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्मों में दिखाई जाने वाले किसे सीन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको बिना VFX के शूट किए गए सीन दिखाए जाएं, तो आप उनको देखकर आप अपनी हंसी पर भी ना कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, बैंग बैंग मूवी में ऋतिक रोशन का किया हुआ वो सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो आग के सामने से बड़े ही स्टाइलिश तरीके से वॉक करते हुए आते हैं। नाजरीन, आप ही सोचिए कि किसी के पीछे इतनी आग लगी हो तो किसी की वॉक इतनी स्टाइलिश हो सकती है, क्योंकि आग की गर्मी ये नहीं देखती कि सामने ऋतिक रोशन है या फिर कोई और। लेकिन गर्मी तो तब हो ना कि जब आग असल में लगी हो, क्योंकि हरे पर्दे के सामने से ही ऋतिक रोशन इतनी स्टाइलिश वॉक कर रहे हैं। असल में तो आग लगी ही नहीं, ये सारा खेल VFX का था जिसने हरे पर्दे को आग में बदल दिया। नाजरीन, फिल्म 3 इडियट में बागड़े राणे को एक साथ दोनों हाथों से लिखता दिखाया गया है। हालांकि ये काम ये कर सकते थे, लेकिन इसके लिए इनको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती और इसमें काफी वक्त भी लग जाता, जिसमें बारी बारी इन्होंने अपने दोनों हाथों से लिखा और बाद में इसको कुछ इस तरह से दिखाया गया। नाजरीन, फिल्मों में किसिंग सीन भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बिल्कुल रियल होते हैं। लेकिन जब लोग उन सीन को करने से मना कर देते हैं, तो VFX की मदद से कुछ इस तरह से किसिंग सीन को शूट किया जाता है। नाजरीन, फिल्म बाहुबली में सबसे ज्यादा VFX का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में बलाल देव को सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि असल में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था, जिस पर बाद में सांड को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा एक जगह पर बलाल देव सांड को गिराते हुए भी दिखाई देते हैं। असल में उस जगह पर बलाल देव को सांड का नकली सर दिया गया था और बाद में VFX की मदद से असली सांड का रूप दे दिया गया। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताना और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।